हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं और जिन लोगों को मैंने अपने नंबर दे रखे हैं उन लोगों के काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि सर, मोरेटोरियम का पीरियड चल रहा है, फिर भी हमें रिकवरी एजेंसी वाले कॉल करके परेशान कर रहे हैं, हमारे घर पर धमक जा रहे हैं और बैंक वाले हमें कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने स्पेशली बनाया है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज अभी आ चुका होगा, आरबीआई का मैसेज, जिसमें ये आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि 27 मई को जो आरबीआई ने डिसीजन दिया था कि जून, जुलाई और अगस्त के लिए 3 महीने का मोरेटोरियम आरबीआई ने बढ़ा दिया है, और उस मोरेटोरियम में बेसिकली आम कस्टमर के लिए सुविधा दी गई थी कि अगर वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक उनको फोर्स नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप वन बाय वन सारी स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोरेटोरियम में जिन कस्टमर्स के पास पेमेंट नहीं देने का ऑप्शन है, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक उनको परेशान नहीं करे। बैंक चाहे तो यस, मोरेटोरियम लेने पे आपके ऊपर थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन आपको बैंक किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहा है। और इसके बावजूद अगर रिकवरी एजेंसी वाले आपको कॉल कर रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, तो आप उनकी कॉल रिकॉर्ड कीजिए, आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कीजिए। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेने से पुलिस किसी भी रीज़न की वजह से मना कर रही है, तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में अब ये सुविधा स्टार्ट हो चुकी है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी की कंप्लेन आप बैंक को भी भेजिए। और इसके अलावा अगर तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो सबसे पहले दोस्तों आप ट्वीट कीजिए, जिसमें कि आप आरबीआई को भी टैग कीजिए और उस बैंक को भी टैग कीजिए कॉल रिकॉर्डिंग्स के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ट्विटर पे। तो दोस्तों, ये सारे एक्शन लीजिए आप और डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी रिकवरी एजेंसी वाले बंदे का आपके पास कॉल आए, तो आप उनको सीधा बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसे अभी नहीं है, हम लोग 31 अगस्त के बाद देखेंगे क्या करना है, अभी आप हमें परेशान मत कीजिए। और फिर भी अगर कोई बार बार परेशान कर रहा है, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे एविडेंस जो आप ले सकते हैं उनसे लेके रखिए अपने पास और उनकी कंप्लेन प्रॉपर तरीके से कीजिए। डरना दोस्तों बिल्कुल नहीं है, मोरेटोरियम का पीरियड ऑलरेडी भी चल रहा है, 31 अगस्त तक बैंक आपको किसी भी रीजन की वजह से फोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो खुद एक दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बैंक को आप साफ टका से जवाब दे दीजिए, कोई रिकवरी एजेंसी वाला आ रहा है तो उससे सारी डिटेल्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपको अर्लीस्ट वीडियोज में बता रखा है कि रिकवरी एजेंसी वालों से कैसे डील करना है। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी रीजन है, आपकी जॉब चली गई है, सैलरी नहीं मिल रही है आपको, सैलरी कम मिल रही है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।